एवरीबॉडी, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। सो आज का जो व्लॉग है वो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारा कॉन्सर्ट है मेरा और सरमद कदीर का सुपीरियर कॉलेज कॉटमोमेंट में, तो उसके लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं अभी क्योंकि अभी हम लाहौर में ही हैं, क्योंकि मैं लाहौर में रहती हूँ बेसिकली। तो अभी बस तैयार होना है, मेकअप शेकअप करना है, उसके बाद हम निकलेंगे क्योंकि यहाँ से लाहौर से कोई 2 घंटे की ड्राइव पर है, तो तैयार होने में टाइम लगना है, इतनी दूर भी जाना है। तो मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग हम अपने कॉन्सर्ट पर बनाएंगे कि कैसा होता है बैक स्टेज, कितनी पैनिक सिचुएशन होती हैं, और जब आप स्टेज पर पहुँचते हो तो ऑडियंस कितना, हमारे घर में तोता है बहुत काम कर पाया, इसको कोई ले जाओ। अच्छा, तो बस यही कि तैयार शायद हो गया, इसको तो अल्लाह पूछेगा। तो यार बस तैयार शायद होते हैं, उसके बाद मैं आपको अपना मेकअप का ट्यूटोरियल अलग से एक दिन दिखाऊंगी क्योंकि आज टाइम नहीं है ना तो पूरा बनाने सकती हूँ। जल्दी जल्दी से मेकअप शेकअप था ओके, फिर दोनों सेकंड तैयार होकर हम आते हैं। यू नो व्हाट, लाइट चली गई है, मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं हमने बाल स्ट्रेट करने हैं तो क्या हुकूमत पंजाब हम वो भी यूपीस लगा कर करेंगे? सट जाएगा, पैसे तुम लोग दोगे क्या? चला क्या शो में, वाह क्या सीन है। पाकिस्तानी देसी पीपल्स को चिपटा होने का शौक होता है, हम भी उनमें से एक है। ब्लॉक अप्लाई हो गया है, ज्यादा चिपटी तो नहीं लग रही। ओह माय गॉड, सो फाइनली हमारा मेकअप हो गया है कंप्लीट और हमारा लाइनर बहुत खूबसूरत लगा है। अब बाल बना रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं, एज प्राउड पाकिस्तानी, हमारे मुख में बत्ती नहीं आ रही है। और मैं ना गई ना तो मैं अपना स्ट्रेटनर जो है यूप्लेस पे चला के नई बाल स्ट्रेट करना चाहती हूँ, सड़ गया तो फिर नया लाना पड़ेगा। सो हम अपना कोई 20 मिनट वेट करेंगे, जैसे हमारी बत्ती आएगी वैसे हम अपने बाल स्ट्रेट करके आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। सो फाइनली हमारी बत्ती आ गई, हमने बाल स्ट्रेट कर लिए, जो कि करने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि यार पहले ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कौन है ये लुक? थोड़े खुशी से कहाँ से आते हैं ये भी अच्छा लग रहा है, हमारा मेकअप भी अच्छा लग रहा है, हमारे बाल भी अच्छे लग रहे हैं। अब हम प्रॉपर चलेंगे अपने वार्डरोब की तरफ जो कि हम पहनने वाले हैं, फिर तैयार होकर आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। ये हर दफ़ा कहते हुए कि फिर वापस आ जाती हूँ मुँह उठा के, तो ठीक है अच्छा लग रहा है। बाय, थैंक यू पंजाब हुकूमत 10 मिनट पहले बत्ती भेजने के लिए और पूरे 15 मिनट बाद दोबारा ले जाने के लिए। अपनी लोकेशन पर पहुंच गई हूं और हमने रिहर्सल कर ली है, साउंड चेक हो गया है और पूरी टीम मेरी रेडी है और अभी बस विद इन अ मिनट मैं स्टेज पर जाने वाली हूं और हम परफॉर्म करने वाले हैं। मैं कॉटमोमेंट में सुपीरियर कॉलेज में, सो सुना है ऑडियंस बहुत अच्छी है तो बहुत मज़ा आने वाला है। सो विश मी गुड लक। Thank you.
फिर गाना बजाओ। ये बात तेरी सुभान अल्लाह, तू इल्मसी है मैं तालिब हूँ, तू शायरी है मैं गालिब हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों को ये गाना पसंद है क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ ही नहीं है इस गाने की। वो एक 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 मैंने बड़ा खूबसूरत सा एक वीडियो देखा, एक भाई थे वो कहते हैं भाई आपने ये क्या गाना बनाया है, तू नहाता है मैं नहाती हूँ, तू गाता है मैं गाती हूँ। तो मैंने कहा यार ये समझने वाली बात, लेकिन आप लोग नहीं नहीं जिनको जिनको तो इश्क होता है उनको समझ आ जाता है कि सरमद कदीर क्या कहते हैं। इश्क की रंगों को जरा बहुत करीब से पढ़ता हूँ। जलवा है हमारा अलग ही कसम। नो देखिए जी ये अभी सरप्राइज मिला है इन्हें तो बस कुछ चीजें ऐसे फोन करो यार मैं नहीं कर रही, हम बाद में घर कैसे जाएंगे यार। क्योंकि तो लोग इतने खतरनाक है भैया, वो इधर ही बांध रहे हैं। नहीं 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 वो बड़े एक्साइटेड है, वो निमराबाद में जा रही है, निमराबाद में जा रही है। और तो हम हर गाने के बाद बताएंगे भाई निमरा आने वाली है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम हाइप बना के जाएंगे। निमरा बेफिक्र रहो, आपको बहुत आज वार्म वेलकम मिलेगा इस क्राउड में। और भाई मेरी तरफ देख रहे कैसे हो शहजादे, ठीक हो? यहाँ के लोग बहुत खतरनाक है भाई, मारो मुझे, मारो मारो इनको, ढाल लेंगे शिवाज शरीफ की मिमिक्री करके दिखाना तुम्हारे। ये जो खास है ठीक है ना, कुछ दिन हम चोर से बात कर दिए, जहाँ हमें पता नहीं था उनको पता लग गया हम चोर हैं। तो नाज़रीन मैं आप लोगों को एक शेर सुनाऊंगी जिसमें हम अपने महबूब को बोलेंगे के क्या था, हाँ हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, पर आखिर दो आंखों से कितना देखा जा सकता। कैसा लगा मेरा मजाक? सो फाइनली जहाँ से सफर हमारा शुरू हुआ था वहीं पर वापस आ गए। सब सोच रहे होंगे सुबह भी ऐसी गई थी, रात को भी आ गई, याद है इसका तो यही है, मतलब यही है। करो बर्दाश्त, पर नहीं हमारा कंसर्ट बहुत अच्छा रहा, सफ़र बहुत अच्छा रहा, धूप काफ़ी ज़्यादा थी, गर्मी बहुत थी, लेकिन हमने गुजारा कर लिया। और यही था बस आज का व्लॉग, और बाकी फिर करूँगी क्योंकि कोई बात नहीं, हेक्टिक डेज आते रहते हैं, रूटीन्स भी आती रहती हैं। मेकअप शेक मैंने रिमूव कर लिया था क्योंकि मेरे लेंस में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, आँख मेरी लाल हो गई है, इसको हम ड्रॉप डालेंगे ताकि ठीक हो जाए और हम नेक्स्ट व्लॉग में भी दोबारा लेंस लगा के तैयार होकर अच्छे से लगे। वैसे मैं बहुत कोजी लिखती हूँ लेकिन कभी कभी प्यारी भी लिखती हूँ, वो प्यारी वैसे है ना। तो मतलब अब कमेंट में ये मत लिख देना कि कितने सेल्फ ऑब्सेस्ड होना चाहिए, तुम लोग भी हो जाओ, मैंने मना किया है क्या? तो बस ऐसा ही, आज का ब्लॉग इतना था, आई होप सो कि आप सबको पसंद आया होगा। तब तक के लिए अगले ब्लॉग के लिए हाँ बाय बाय, और इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर ही देना, बता देना ना कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब भी कर देना। लहंगा तेरी ड्रेस ते तेरा कोका।